गुड मॉर्निंग। गवर्नमेंट कॉलेज देवली के यूट्यूब चैनल में आज मैं एक ऐसे टॉपिक के साथ में आपके सामने हूँ जो है तो बीए सेकेंड ईयर की क्लास का, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। उनके लिए तो ये टॉपिक है ही इम्पोर्टेंट, लेकिन ये उन सारे परीक्षार्थियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो आरपीएससी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो जीके के पार्ट के रूप में भारतीय संविधान जिनके सिलेबस में है। इसके अंदर इसमें कुछ कुछ मेन बातें छोटे क्वेश्चन के हिसाब से आपको बताना चाहती हूँ। वैसे शायद आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन के लिए भी ये काम आएंगे। और जो कॉलेज है हमारी गवर्नमेंट कॉलेज देवली, उसमें जो निःशुल्क कोचिंग कक्षाएँ चलती हैं उसके तहत भी ये वीडियो काम आएगा। जो बच्चे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में हैं वो भी अपनी आगे जो फ्यूचर प्लानिंग है उसमें जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहेंगे उनमें भी ये जीके का पोर्शन काम आएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हैं जो कई बार हम इनका ध्यान नहीं देते, जैसे कि हमारी जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। ठीक है, प्रस्तावना में जो भारत शब्द है वो कितनी बार आया है ये पूछ लेते हैं, तो वो दो बार आया है। हम भारत के लोग, भारत को, तो दो जो बार है वो भारत शब्द का प्रयोग आया है। और भारतीय संविधान में भारत को क्या कहा गया है, राज्य कहा गया है, देश कहा गया है, संघ कहा गया है, परिसंघ कहा गया है, या राज्यों का संघ कहा गया है, तो इसका आंसर है राज्यों का संघ। नए राज्य के गठन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, यानी कि जो नया राज्य बनाया जाता है वो किस अनुच्छेद के तहत वो बनाया जाता है संसद के द्वारा। किसी भी राज्य का गठन और किसी भी राज्य को ख़त्म करना, इसका दायित्व संसद के पास है, यानी इसका संसद के पास इसका अधिकार है, और ये संविधान के अनुच्छेद 3 में कहा गया है। संपत्ति का जो अधिकार है उसको मौलिक अधिकारों में से कब हटाया गया था, या किस संशोधन अधिनियम के द्वारा हटाया गया था, वो था 44वें संशोधन अधिनियम के द्वारा उसको हटाया गया था। और दल बदल संबंधित कौन सी अनुसूची है, तो वो है 10वीं अनुसूची। देखो क्वेश्चन और आंसर इनमें ये जरूर नहीं है कि जो हम क्वेश्चन बोलेंगे वही क्वेश्चन एग्जाम के तहत आएगा। एग्जाम में आंसर का भी क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन का भी आंसर बन सकता है। जो नगर पालिकाएँ हैं जिनके अभी चुनाव होने वाले हैं, नगर पालिकाओं के अभी नगर निगमों के हुए हैं, वो सब इसी में आते हैं, नगर निगम, नगर पालिकाएँ। तो इनको संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा दी गई थी, वो दी गई थी 74वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 12वीं अनुसूची, हमारे यहाँ भारत में कितनी संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। 12 अनुसूचियों में 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, 18 विषय हैं। जो पंचायती राज दिवस है वो कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। हमारे देश में जितने भी राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं उनमें से ऐसा कौन सा राष्ट्रपति है जो निर्विरोध रूप से निर्वाचित हुए थे, तो वो हैं कौन, नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, वीटो पावर का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया था, वीटो पावर का मतलब होता है कि किसी भी संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को साइन ने करके अपने पास ही रख लेना, उसको बोलते हैं वीटो पावर। तो इसका इस्तेमाल ज्ञानी जेल सिंह ने किया था। भारत में जनहित याचिका वाद जिनको PIL बोलते हैं, इनका जनक कौन है, पी एन भगवती ने सबसे पहले कुछ लोगों के फेवर में या कुछ लोगों की तरफ से न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी। 2013 में स्थापित 3 नए उच्च न्यायालय कौन कौन से हैं, वो है मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। इन तीनों का जो स्थापना है वो तीनों की 2013 में हुई थी। संयुक्त तो उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, वो है संसद के द्वारा। संयुक्त तो उच्च न्यायालय का मतलब होता है कि 2 या 3 राज्यों के लिए एक साथ ही न्यायालय बनाना। ठीक है, हर राज्य का अलग न्यायालय हमारे देश में नहीं है, 2-3 न्यायालय देश और राज्यों का भी एक साथ न्यायालय बना दिया जाता है, उनको बोलते हैं संयुक्त न्यायालय। ये संसद द्वारा बनाया जाता है। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि जो मतदान का दिवस है वो कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को। ठीक है, वित्त आयोग की स्थापना, हमारे यहाँ पर एक वित्त आयोग है और वो एक संवैधानिक संस्था है। कैसे होती संवैधानिक संस्था, क्योंकि जिसका संविधान में उल्लेख है वो संवैधानिक संस्था है, जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है वो संवैधानिक संस्था नहीं है। तो इसकी स्थापना का उल्लेख हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 280 में। ठीक है, 280 में इसका उल्लेख किया गया है। भारत राज्यों का संघ होगा ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है,
इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा, ऐसा एक जो है बात वो कही है अनुच्छेद एक में कही गई है। जम्मू कश्मीर राज्य जो अभी थोड़े दिन पहले बहुत चर्चा में था विशेष दर्जे की वजह से, उसको किस अनुच्छेद के तहत विशेष दर्जा प्राप्त था? अब हम था ही बोलेंगे क्योंकि अब तक जो जितने भी थे उन सब में है लिखा था, क्योंकि ये जो नोट्स होते हैं तो बहुत पहले के टाइप किए हुए हैं, इसलिए अब ये वो था हो गया। वो 370 के तहत उसको विशेष दर्जा दिया गया था, जिसको अब इस दर्जे को समाप्त करके जम्मू कश्मीर अब एक अन्य राज्यों की तरह ही राज्य है। मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या किस संशोधन द्वारा निर्धारित की गई है? मंत्रिपरिषद सदस्य संख्या कितनी होगी? ये 91वें संविधान संशोधन द्वारा निर्धारित की गई है। द्वितीय वरीयता सूची द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी। द्वितीय वरीयता सूची का मतलब होता है कि राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं उसमें जो जितने भी मतदाता हैं निर्वाचक मंडल है वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को वोट नहीं देते हैं, एक सूची में वोट देते हैं, उसमें सबके नाम लिखे होते हैं जो जो खड़े होते हैं उनका उम्मीदवारों का, उसमें पहली पसंद, दूसरी पसंद, तीसरी पसंद, जितने भी उम्मीदवार होते हैं उनकी पसंद उसके हिसाब से उनमें डिवाइड होती है। तो जब वीवी गिरी का निर्वाचन हुआ था तो ये पहली पसंद की जो मतों की गणना की गई थी उनमें इनका नाम नहीं था, जब दूसरी पसंद के मतों की गणना की गई थी तब ये राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए थे। राष्ट्रपति जब जीत जाता है तो पद ग्रहण करता है, पद ग्रहण करते समय वो किसकी शपथ लेता है? ईश्वर की, भगवान की, सत्यनिष्ठा की, किसकी? वो संविधान की रक्षा और लोक कल्याण की शपथ लेता है। राजस्थान का एकमात्र व्यक्ति जो लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं वो कौन है? बलराम जाखड़। देखो एक बात मैं कहना चाहती हूँ, इनमें कोई क्वेश्चन कई बार मिसप्रिंट भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, और हमारे भी क्या होता है कि हम जीके तो जब कंपर्सिंग तैयारी करते हैं तब सारी जीके क्लियर होती रहती है, अपडेट होती रहती है, तो कई बार कोई चीज़ें अगर इसमें गलत हो भी गई हो टाइपिंग में तो वो आप लोग उसको कंसल्ट कर लेना और क्लियर कर लेना। ऐसा नहीं कि मैडम ने कह दिया वही ठीक है, नहीं, उसको एक बार कंसल्ट ज़रूर करना है और उसको कन्फर्म करना है। देश के पहले और एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? गुलजारी लाल नंदा ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे थे। जितने भी राजनीतिक दल हैं हमारे यहाँ प्रदेश में उनको मान्यता कौन प्रदान करता है? वो होता है हमारे यहाँ का चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग। विधि शब्द किस अनुच्छेद में परिभाषित है? जब मूल अधिकार पढ़ते हैं, मूल अधिकारों की संख्या हम जब पढ़ते हैं वैसे तो हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, लेकिन उससे पहले 12 और 13 अनुच्छेद हम छोड़ देते हैं। 12 अनुच्छेद में हम राज्य शब्द की परिभाषा पढ़ते हैं, राज्य किन किन को, जब भी मूल अधिकार आते हैं उनमें हर चीज़ में राज्य ऐसा करेगा, राज्य ऐसा नहीं करेगा, राज्य उस राज्य में कौन कौन शामिल होते हैं उसकी परिभाषा जो है अनुच्छेद 12 में दी गई है। अनुच्छेद 13 में विधि शब्द की परिभाषा दी गई, कानून के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें शामिल की जाएंगी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जो संघ है उसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। मानवाधिकार दिवस अभी थोड़े दिन पहले गया था, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की अन्य पीठ स्थापित कैसे की जा सकती है? वो राष्ट्रपति के परामर्श पर मुख्य न्यायाधीश के द्वारा अन्य पीठ स्थापित की जा सकती है, यानी कहीं और भी किसी भी विवादों का निर्णय लिया जा सकता है। कौन से संशोधन हैं जिनके द्वारा राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद का परामर्श लेना आवश्यक कर दिया गया था? 42वें संशोधन द्वारा कि राष्ट्रपति कोई भी कार्य करेगा वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करेगा और उसको उसका परामर्श मानना पड़ेगा, ऐसा 42वें संशोधन द्वारा करके राष्ट्रपति की शक्तियों में कुछ सीमाएं लगा दी थी। भारत के अब तक कितने ऐसे जो व्यक्ति हैं, हम व्यक्ति नहीं कहते न्यायाधीश ही कहेंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं? उनकी संख्या है 4। पंचायत समिति का जो प्रधान है अभी जिनके चुनाव हुए थे वो अपना इस्तीफा किसे देता है? जिला प्रमुख को। ठीक है, जिला प्रमुख को वो देता है अपना इस्तीफा। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और भारत के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारतीय संसद पर जो हमला हुआ था 2001 में वो कब हुआ था? 13 दिसंबर को, इसलिए हम हमेशा 13 दिसंबर की डेट याद रखते हैं कि उस दिन बहुत ही हमारे देश के लिए काला दिन था। वर्तमान में कितनी जो भाषाएं हैं उनको संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? वो है 22 भाषाओं को। ऐसी कौन सी अनुसूची है हमारे संविधान में जो
न्यायिक समीक्षा से बाहर है, यानी जिसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, वो है अनुसूची 9। नगरीय स्वशासन संबंधित विषयों का उल्लेख किस अनुसूची में है? 12वीं अनुसूची में। न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत किससे प्रेरित है, किस अनुच्छेद में न्यायिक समीक्षा का बारे में कहा गया है, वो है अनुच्छेद 13 में। अभी पहले बताया विधि की परिभाषा किस में है, उसमें तो विधि की परिभाषा में कहा गया है कि जो भी कार्य विधि के अनुकूल नहीं होंगे वो उनकी सबकी न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा की जाएगी, और अगर वो विधि के विपरीत पाए गए तो उनको असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। विधि के समक्ष समानता की जो अवधारणा है हमारे यहाँ पर अनुच्छेद 14 में जिसका वर्णन है, वो हमने कहाँ से ली है, वो हमने लिए ब्रिटेन से। और भाग 3 किससे संबंधित है, मूल अधिकारों के वर्णन से। और मूल अधिकारों का उल्लेख किस कौन कौन से अनुच्छेदों में किया जाता है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। मैंने कहा ना हमेशा हम चालू करते हैं 14 से, लेकिन वो मूल अधिकारों का उल्लेख 12 से है। और विधियों का समान संरक्षण, इसका भी अनुच्छेद 14 में वर्णन है, वो हमने लिया है अमेरिका से, यानी कि विधि के अनुसार सबको समान संरक्षण प्राप्त है, ये तो कहता है विधियों का समान संरक्षण, ठीक है। और जो विधि के समक्ष समानता का मतलब है कि सब लोग विधि के समक्ष समान हैं, वो ये है, ठीक है, विधि के समक्ष सब लोग समान हैं। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस अधिकार में निहित है, ऑप्शन आएंगे अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, मेन 21 पर आता जो हमको कंफ्यूज करता है। तो ये है प्रेस की स्वतंत्रता, मतलब है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का वर्णन किस में है, 19 में, आर्टिकल 19 में। इंदिरा साहनी जो वाद हुआ था वो उसका संबंध किससे है, वो है ओबीसी को जो आरक्षण संबंधी मुद्दे थे उनमें है, अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण संबंधी मुद्दों से। तो आरक्षण संबंधी जो मुद्दे है उसका संवैधानिक आधार कौन सा अनुच्छेद है, राज्य द्वारा संरक्षण देने संबंधी नीति है उसका संवैधानिक आधार है अनुच्छेद 16(4), ठीक है। अनुच्छेद जो 19 है उसमें जो हमें स्वतंत्रता प्रदान की गई है उसमें कितनी स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है, वो है 6। राज्य को किसी अपराध के लिए 2 बार सजा देने से रोका जा सकता है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है, अनुच्छेद 20 में। देखो जब हम मूल अधिकार का टॉपिक क्लियर कर लेते हैं तो हमारी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। मूल अधिकार जो संविधान वाला जो पोर्शन है, मूल अधिकार और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री संसद, ये जो टॉपिक हैं इनसे 50% उसका जो पोर्शन है वो पूरा हो जाता है, बाकी 50% बाकी सारे पोर्शन आते हैं। हाल ही प्रथा पर रोक किस अनुच्छेद द्वारा लगाई गई है, अनुच्छेद 23 में। इसमें है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसी का कोई शोषण नहीं किया जाएगा और बेकार भी नहीं किया जा सकता। शिक्षा का अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद में, देखो ये इम्पोर्टेंट है, शिक्षा का अधिकार है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें केवल मोटे मोटे अधिकार तो याद रहते हैं लेकिन जो छोटे अधिकार हैं वो याद नहीं रहते हैं जो बाद में जोड़े गए थे। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के में है, ठीक है। और बाल श्रम पर रोक लगाई गई है अनुच्छेद 24 में। मूल ढांचे का सिद्धांत, देखो ये भी इम्पोर्टेंट है, मूल ढांचे का जो सिद्धांत है इसका जो वर्णन है सबसे पहले कब किया गया था, केशवानंद भारती बनाम भारत राज वाले मामले के द्वारा इसका उल्लेख हुआ था। संविधान में महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किसे अपने पद से हटाने के लिए किया गया है, वो है केवल राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को जब पद से हटाया जाता है केवल उस प्रक्रिया को महाभियोग की प्रक्रिया कहा जाता है। संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति। देखो यहाँ पर ध्यान देने योग्य है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है तो प्रधानमंत्री आएगा। कई बार ऐसा पूछे संघ की कार्यपालिका औपचारिक प्रधान कौन होता है, वो राष्ट्रपति आएगा, लेकिन औपचारिक और वास्तविक शब्द अगर नहीं लिखे गए तो राष्ट्रपति आएगा, क्योंकि जैसे हम राष्ट्रपति वाला टॉपिक पढ़ते हैं उसमें सबसे पहले यही लिखा आता है कि संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है, उसी में ही उसकी सारी शक्तियाँ निहित होती हैं जिनका वह प्रयोग अपनी जो अपने कार्यों में सहायता देने वाले मंत्रिमंडल की सहायता से करता है और जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है, ठीक है।
अब राष्ट्रपति को यदि अपना त्यागपत्र देना होता है तो वो किसको देता है, उपराष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है सबको पता है, 5 वर्ष। कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, कितनी भी बार वो राष्ट्रपति बन सकता है। राष्ट्रपति की अगर चुनाव संबंधी कोई विवाद आ जाता है तो उसका निपटारा कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय। अध्यादेश को संसद का सत्र प्रारंभ होने पर कितनी अवधि के भीतर अनुमोदित करवाना होता है संसद से, वो है 6 सप्ताह के भीतर उसे संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है, अन्यथा 6 सप्ताह के बाद वो अपने आप ही समाप्त हो जाता है। भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, अब देखो जैसे क्वेश्चन सुना प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो अपन क्या सोचते हैं, प्रधानमंत्री का तो चुनाव होता है, जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तब उसमें जो कांग्रेस जीतती या भाजपा जीते, जो भी जीते उसके जो नेता होता है उसको प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, तो नियुक्ति का तो सवाल ही नहीं होता। लेकिन नहीं, संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, चाहे वो कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है तो उसमें विवेक से भी इसकी नियुक्ति करनी पड़ती है। बाकी परंपरा ये बन गई है कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को वो प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, वाई वी रेड्डी। एक आकस्मिक निधि नाम का एक फंड होता है हमारे भारत में, उसमें से अगर कोई पैसा निकालना होता है तो उसके लिए किसकी अनुमति आवश्यक होती है, संसद की, राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की, सर्वोच्च न्यायालय की, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के पास होती है इसलिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। जो संयुक्त बैठक यानी लोकसभा और राज्यसभा में अगर किसी भी विधेयक को लेकर विवाद हो जाता है, साधारण विधेयक को लेकर, तो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और वो कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का उल्लेख है, अनुच्छेद 360 में, जो आज तक कभी नहीं लगा लेकिन कोरोना काल में ऐसा लगा, लगने लग गया था कि शायद अब वित्तीय आपात यहाँ लग जाएगा, अगर ऐसा हो जाता तो सभी लोगों को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल नुकसान हो जाता। सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन कहलाता है, हमारे यहाँ पर तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन कहलाता है, राष्ट्रपति होता, मतलब कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो आपातकाल है उसको अधिकतम कब तक बढ़ाया जा सकता है, जब तक कि कंडीशंस हमारे फेवर में नहीं हो, यानी अनिश्चितकाल के लिए। वैसे तो ये 2-3 साल, 1 साल 2 साल, जब अलग अलग किताबों में अलग अलग इसका लिखा हुआ है। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल होता है, उसका कार्यकाल कितना होता है, राष्ट्रपति चाहे तब तक। ठीक है, जितने भी मंत्री होते हैं मंत्रिपरिषद के, वो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं, राष्ट्रपति के प्रति, और सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं, लोकसभा के प्रति, यानी संसद के निम्न सदन के प्रति। पहले हमारे भारत के अंतर्गत आंतरिक व्यवस्था के नाम पर इंदिरा गांधी ने बहुत सारे मतलब आपातकाल की घोषणा की थी उस टाइम, तो बाद में इसमें संविधान संशोधन किया गया और आंतरिक अव्यवस्था के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया था, यानी कि भारत के अंदर, भारत के किसी विभाग के अंतर्गत जो है अगर सशस्त्र विद्रोह होगा, जनता यानी शस्त्रों सहित विद्रोह कर दे, ठीक है, या कोई भी किसी भी राज्य की सेना सशस्त्र विद्रोह कर देती है तो उसमें आपातकाल लगाया जाएगा। तो ये जो संशोधन था कब किया गया था, 42वें संशोधन द्वारा ये शब्दों का जो है चेंज किया गया था। अब मैंने पहले कहा था कि संयुक्त बैठक बुलाता है राष्ट्रपति, अब क्वेश्चन आता है जो संयुक्त बैठक होती है लोकसभा राज्यसभा की, ठीक है, वो उसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर उसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, क्योंकि बहुत सारी हैं इसमें, बाद में हम आगे के जो क्वेश्चन हैं वो आगे आपको बता देंगे। आज के लिए